सिंटैक्स डेवलपमेंट डी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे सिंटैक्स डेवलपमेंट यानी ग्रामर रूल्स की डेवलपमेंट की बात करनी है जिसको सीखते हुए स्टूडेंट्स लैंग्वेज uh, uh, के सही uh, सहीों को इस्तेमाल करते हुए वो करेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं मुख्तफ वर्ब्स फ्रेजेस को वर्ड्स को कंबाइन करते हुए और लिंग्विस्टिक्स में सेंटैक्स इज़ द टर्म स्टडी फॉर द The rules governing of ऑफ द सिस्टम टू मेक सेंटेंसिस sentences, syntactic जो नॉलेज होता है वो इंग्लिश में सेंटेंस की जो तरतीब है वो फकरे की वो इस तरह है कि सब्जेक्ट वर्ब और object तो ये तर्त, इस तरतीब के लिहाज से आपने सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और तब वो एक जो सेंटेंस है वो सही ट्रू मीनिंग अदा करेगा अगर हम ये कहें द किट बॉल द बॉय तो आप ये देखें कि इस फिक्रे की जो है उस तर उस उ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसकी तरतीब नहीं है इसलिए ये जो सेंटेंस है अपने ट्रू मीनिंग्स परफॉर्म नहीं कर रहा लिहाजा हमने जब सेंटेंस को जोड़ना है तो उसी असूल के तहत जोड़ना है सिंटेटिक डिवलपमेंट में जो रूल्स हैं वो एनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्बाइन मारफीम्स इन टू सेंटेंसेस तो तो मारफीम्स मिलकर वो वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं और फ्रॉम टू मार्फिम्स टू कंबाइन वर्ड विद सफिक्सेस इसको हम लाह कहते हैं जैसे एस और इंग एस इन अ पेपर अगर उसको प्लूरल बनाएंगे तो पेपर्स है और ईट वर्ब के साथ आगे इसको इंग लगा के तो ईटिंग तो इसी तरह क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स और कमांड्स वगैरह जिस तरह भी ये परफॉर्म करेंगे ये हमें सिंटैक्स डेवलपमेंट के जरिए पता चलता है और सिंटैक्टिक नॉलेज जो है द नॉलेज हाउ वर्ड्स कैन बी कम्बाइन इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेजेस और अट्रेंसेस अच्छा ये है कि जब ये कोई स्टूडेंट ये सीखता है तो वो जो सेंटेंस है उसकी मीन लेंथ के बारे में उसको इल्म होता है वो जो जो वो उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है तो उसकी मतलब जो जो उसकी एज बढ़ती है या एज के साथ साथ उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करना शुरू कर देता है जैसे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या, या वो नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या वॉइस को चेंज करना जैसे वॉइस और वॉइस या नाउन्स और प्रोनाउंस को यूज़ करना तो ये सब चीज़ें जो है ये सिंटैक्टिक नॉलेज के तहत या ग्रामर रूल्स के सीखने की बदौलत होता है और जो एवरेज है लेंथ ऑफ एन अट्रेंस ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो फॉलो करना होता है इस सीक्वेंस को इन द एज ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी मंथ्स एक जो बच्चा है वो टू वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बोलता है और जब वो ट्वेंटी एट से आगे फोटी टू की एज उसकी होती है यानी थर्टी से आगे फोर्टी टू मंथ्स की एज तक वो फिर फोर वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है और उस हाँ उस वक्त तक उसकी जो जो ग्रामेटिकल रूल्स की सेंस है उसके इस्तेमाल की सेंस है और सेंटेंसेस में वर्ड्स को कंबाइन करने का जो ट्रू सेंटेंस और तरीका है वो सीख लेता है तो उसके मुताबिक वो उनको यूज़ करता है और हम हम यानी इस एज में हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेक्ट यूज़ करें ग्रामर के रूल्स का